हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यूज़ वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं फार्मास्यूटिकल जीरो के एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा आपके साथ तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट से हर एक फार्मेसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सो so, पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर डिस फ्लूड्स कम्स अंडर तो जो स्टैंडर्ड हैं डिसनफेक्टेंट फ्लूड के लिए वो हमारे शेड्यूल ओ में आते हैं तो ऑप्शन ए शेड्यूल ओ इसका राइट right आंसर है अगला क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज़ नीडेड फॉर द कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर। तो इनमें से कौन सा फॉर्म हमें कॉस्मेटिक की मैन्यूफैक्चरिंग के लिए जरूरी होता है तो इसमें से जो फॉर्म नंबर थर्टी टू है वो हमें रिक्वायर्ड होता है ताकि हम कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड अमंग डेम सेल्स बाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट तो कितने मेंबर्स इलेक्ट होते हैं अपने आप में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट स्टेट के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा तो ये होते हैं सिक्स मेंबर्स इसमें इलेक्ट किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉमिनेट और इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ तो इसमें जो हमारे नॉमिनेटेड या फिर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में वो पाँच साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं उनका टर्म पीरियड जो होता है वो फाइव इयर्स होता है तो ऑप्शन सी इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मेसी एक्ट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन तो फार्मेसी एक्ट हमारा 1948 एट में इस्टेब्लिश हुआ था तो ऑप्शन ए 1948 फोर्टी एट इसका राइट right आंसर है ओके okay, दैन अगला क्वेश्चन है कि विच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी तो इसमें से जो हमारे हैं ये शेड्यूल सी में आते हैं सीरा भी शेड्यूल सी में आता है एंटीजन ये तीनों ही शेड्यूल सी में आते हैं लेकिन कैप्सूल शेड्यूल सी में नहीं आता है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का कैप्सूल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ ड्रग्स विच शेल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली कम्स अंडर अब कौन जो ड्रग्स सिर्फ और सिर्फ जेनरिक नेम के अंडर ही मार्केट किए जा सकते हैं वो किस शेड्यूल के अंडर आते हैं तो वो आते हैं हमारे शेड्यूल डब्ल्यू के अंडर तो ऑप्शन ए शेड्यूल डब्ल्यू इसका राइट आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ डूइंग ऑल ऑफ बिलो फंक्शंस एक्सेप्ट तो क्वेश्चन ये है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई जो है वो सारे फंक्शन करता है एक्सेप्ट इनमें से कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करता है तो इसमें से हम देखें तो वो रेगुलेट टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट तो ये पीसीआई के द्वारा किया जाता है फिर टू प्रिस्क्राइब ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट तो ये भी पीसीआई के द्वारा किया जाता है टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट ठीक है फार्मासिस्ट के लिए सेंट्रल uh, रजिस्टर को कंपाइल करना उसको मेंटेन करना ये भी पीसीआई करता है लेकिन ड्रग्स जो है उसको प्रेस्क्राइब करना ये नहीं किया जाता है पी के द्वारा ये फिजिशियन करते हैं तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल तो ब्लड बैंक जो है वो किस शेड्यूल के अंडर आता है तो ब्लड बैंक हमारा शेड्यूल एफ़ के अंडर आता है ऑप्शन सी शेड्यूल एफ़ इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉसिन इज सेल अंडर तो क्रॉसिन किस शेड्यूल के अंडर आती है क्रॉसिन जो ड्रग है वो किस शेड्यूल के अंडर आती है तो क्रॉसिन शेड्यूल डब्ल्यू के अंडर आती है ऑप्शन सी इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पीसीन कैप्सूल्स शुड बी यूज्ड विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स दिस स्टेटमेंट कम्स अंडर तो इसमें स्टेटमेंट ये दी गई है कि जो एम्पीसिल के कैप्सूल्स होते हैं उनको विद इन ट्वेंटी फोर मंथ में ही कंज्यूम कर लेना चाहिए तो ये स्टेटमेंट किस शेड्यूल के अंडर आती है तो ये स्टेटमेंट आती है हमारे शेड्यूल पी के अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द ड्रग कंटेन्स इन दी प्यूट्रेड और डी सब्सटेंस देन इट इज़ नोन एज तो अगर किसी ड्रग में फिल्दी पुट्रेड या डी सब्सटेंस पाए जाते हैं तो उस ड्रग को हम एक टर्म के नाम से जानते हैं तो वो टर्म कौन सी है तो इसमें उस ड्रग को हम बोलते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एम टू स्टेट्स दैट शेड्यूल एम टू क्या स्टेट करता है तो इसमें से जो ऑप्शन सी है दैट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स तो ये शेड्यूल एम टू में आता है और इसी में बात करूं जो होम्योपैथी वाला है ऑप्शन बी तो ये हमारा शेड्यूल एम वन होता है फिर जो हमारा मेडिकल डिवाइसेस के लिए आता है वो हमारा शेड्यूल एम थ्री होता है ये हमारा होम्योपैथी वाला शेड्यूल एम टू होता है ओके okay, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ डैश स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई में कितने स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही मेंबर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेम्बर होता है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन ए आई सी टी ई द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय तो ए आई सी टी ई में चेयरमैन को कौन अपॉइंटमेंट अपॉइंट appoint करता है तो चेयरमैन को अपॉइंट करने वाले होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ए आई सी टी ई के चेयरमैन को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इलेक्टेड मेंबर्स अमंग द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अमंग में ही तो वो कितने होते हैं तो वो उसका नंबर है थ्री ओनली थ्री मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विस शेड्यूल तो ये शेड्यूल यू में इंक्लूडेड रहता है कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग या एनालिटिकल रिकॉर्ड्स होंगे कॉस्मेटिक के रिलेटेड वो सारे शेड्यूल यू वन में आएंगे देन मूव uh, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो इंसुलिन इंजेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी वो किस टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं मीन किन कंडीशनस में स्टोर किए जाते हैं तो जो इंसुलिन इंजेक्शन हैं वो हमारे टेम्परेचर टू डिग्री टू एट डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किए जाते हैं और उनको फ्रीज नहीं होने देना होता है हमें इसलिए टू टू एट डिग्री सेल्सियस से पर इनको स्टोर किया जाता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपेंडिक्स टू है वो किसके रिलेटेड है तो जो अपेंडिक्स टू है हमारे इसमें वो है फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स तो जो भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स होती हैं उनकी सबमिशन का जो फॉर्मेट होता है उसको डिटरमाइन करती है हमारी अपेंडिक्स टू फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो हमारा शेड्यूल एफ़ थ्री है वो किसके साथ रिलेटेड है उसमें क्या चीज़ें आती हैं तो जो हमारा शेड्यूल एफ़ थ्री है उसमें स्टैंडर्ड दिए गए हैं फॉर स्टरलाइज अम्बिलिकल टेप्स के लिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो स्पूरियस ड्रग है वो किस सेक्शन के अंडर आता है तो जो स्पूरियस ड्रग है वो सेक्शन सेवेंटीन बी के अंडर आता है तो इसी में और बात करें तो सेवनटीन ए में हमारे अडल्ट्रेटेड ड्रग्स आते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग्स ए डी लिख देता हूँ इसको फिर तो जो हमारा शेड्यूल सेवनटीन है शेड्यूल सेवेंटीन में हमारे मिस ब्रांडेड ड्रग्स आते हैं तो एम डी कर देता हूँ इसको और जो हमारा शेड्यूल थ्री भी है तो इसमें नॉर्मल ड्रग्स जो भी हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं सिंपल ड्रग्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन कम्स अंडर तो इंसुलिन किस शेड्यूल के अंडर आता है तो इंसुलिन शेड्यूल जी के अंदर आता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जेना भी नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म ट्वेंटी स्टेट्स दैट तो फॉर्म ट्वेंटी क्या स्टेट करता है जो हमारा फॉर्म ट्वेंटी है वो उसमें लाइसेंस के बारे में दिया गया है लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जीबिट और फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाई रिटेल अदर देन स्पेसिफाइड इन सी सी वन एंड एक्स तो जो शेड्यूल सी सी वन और शेड्यूल एक्स में स्पेसिफाई की गई हैं चीज़ें उनको छोड़ के हम बाक़ी जो भी ड्रग्स हैं उनको हम रिटेल पे सेल कर सकते हैं एग्जिबिट कर सकते हैं या ऑफ़र कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट या सेल करने के लिए तो उसका जो लाइसेंस है वो फॉर्म ट्वेंटी के थ्रू बनेगा फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग रिक्वायर्स तो अगर हमें आयुर्वेदिक सिद्धा या फिर यूनानी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए जो लाइसेंस है उसके लिए कौन सा फॉर्म नंबर हमें यूज़ करना है तो उसमें जो फॉर्म नंबर यूज़ होता है वो होता है फॉर्म नंबर ट्वेंटी फ़ोर डी ऑप्शन ए ट्वेंटी फोर डी इसका राइट right आंसर है तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर कैरिंग आउट टेस्ट ऑन ड्रग रिक्वायर्स तो जो हमारी प्राइमरी टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है जिसमें टेस्ट कैरी आउट होते हैं ड्रग्स के ऊपर अगर हमने प्राइवेट ओपन करनी है तो उसमें कौन सा फॉर्म अब यूज़ होता है तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्म नंबर थर्टी सिक्स यूज़ होता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लिस्ट ऑफ कोल कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर तो उन सभी कोल कलर्स की लिस्ट जो कि परमिट किए गए हैं कॉस्मेटिक्स में यूज़ करने के लिए उनकी लिस्ट किस शेड्यूल के अंडर कवर की जाती है तो ये की जाती है कवर शेड्यूल क्यू में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेड्यूल जे इज़ रिलेटेड टू तो शेड्यूल किस चीज़ से रिलेट करता है इसमें शेड्यूल जे में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो शेड्यूल जे में बहुत सारी डिजीज़ या फिर एलिमेंट्स आती हैं जिनको ड्रग के थ्रू ट्रीट नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है तो बहुत सारी डिजीज और एलिमेंट्स की लिस्ट शेड्यूल जे में लिस्टेड है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंजेक्शन से हैं एंड नीडल्स हैं वो किस शेड्यूल के अंडर कवर की जाती हैं तो ये हमारी कवर होती हैं शेड्यूल सी तो शेड्यूल सी में ऑप्शन सी इसका राइट right आंसर है द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि डेटोल कम्स अंडर डेटोल किस शेड्यूल के अंडर आता है तो डेटोल एक एंटीसेप्टिक है तो ये ऑप्शन बी शेड्यूल ओ के अंडर आएगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ब्लड ग्रुप इज ए बी देन कलर लेबल यूज अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो उस पर कलर लेबल क्या लगा होगा तो उस पर कलर लेबल वाइट लगा होगा ए बी के केस में ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उस पर कलर लेबल वाइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शेड्यूल एन है वो क्या डिफाइन करता है तो शेड्यूल एन में आता है कि लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी कि एक फार्मेसी को एफिशिएंटली रन करने के लिए क्या क्या मिनिमम इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी लिस्ट जो है वो शेड्यूल एन में आती है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो शेड्यूल सी है वो किस से रिलेटेड है तो शेड्यूल सी में हमारा वो सारे बायोलॉजिकल या इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की लिस्ट है देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है कंटेन कंप्राइज डैश मेंबर्स फ्रॉम एआईसीटी एंड यूजीसी तो पीसीआई में ए आई और यू से कितने मेंबर्स मिलते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर जो है वो ए आई और यू जी से पी में आता है तो ऑप्शन ए वन इसका राइट right आंसर हो जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो परफॉर्मा है फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज़ इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल तो जो हमारा परफॉर्मा है मेमोरेंडम को सेंड करने के लिए वो किस शेड्यूल में आता है तो वो हमारा आता है शेड्यूल ए में ऑप्शन ए ऑप्शन बी ए इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग इज तो जो शेड्यूल डी एंड सी एक्ट में आता है जो कि डील करता है हमारे जो भी क्लिनिकल ट्रायल हैं या इंपोर्ट होगा या मैन्युफैक्चर होगा न्यू ड्रग का उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी गाइडलाइंस के साथ कौन सा हमारा शेड्यूल डील करता है तो वो शेड्यूल आता है हमारा ऑप्शन डी शेड्यूल बाई इसका राइट right आंसर है द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं तो इसमें हमारे सिर्फ सिक्स मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेड्यूल डी एज पर डी एन सी एक्ट इज कंसर्न तो डी डी एन सी एक्ट का जो शेड्यूल डी है वो किससे कंसर्न है तो ये हमारा कंसर्न है लिस्ट ऑफ ड्रग एक्समटेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑल आर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल तो इसमें से स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन है तो इसमें से जो हमारे चीफ फार्मासिस्ट हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ये भी एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होता है स्टेट का सीएमओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर स्टेट का वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का एंड असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ये भी हमारा एक्स ऑफिशियल मेंबर होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो पब्लिश होती है ऑफिशियल गैजेट में और इसको पब्लिश कौन करता है तो इसको पब्लिश करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट इसका राइट right आंसर है दैन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स होल इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्न बाई स्पेशल प्रोविजन आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल तो उन ड्रग्स की लिस्ट जिनका इंपोर्ट मैन्युफैक्चर सेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग जो है वो गवान होती है एक स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू तो वो किस शेड्यूल में आते हैं तो ये आते हैं शेड्यूल एक्स में ऑप्शन ए शेड्यूल एक्स का राइट आंसर है तुम्हारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो किस शेड्यूल में इंक्लूड किए जाते हैं तो ये इंक्लूड किए जाते हैं शेड्यूल सी एंड सी वन में द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो कब इैक्ट हुआ था तो जो हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो हमारा 1954 में इैक्ट हुआ था ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डायबिटीज़ है वो किस शेड्यूल के अंडर आती है तो हमारी जो डायबिटीज़ है वो शेड्यूल जे के अंडर आती है शेड्यूल जे में बहुत सारे डिजीजेज या एलिमेंट्स आते हैं जिनको ड्रग्स के थ्रू ट्रीट नहीं किया जा सकता है मीन्स डायबिटीज़ को कंट्रोल तो कर सकते हैं ड्रग्स के थ्रू लेकिन उसको उसकी ट्रीटमेंट कुछ नहीं है द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग रिक्वायर्स तो इसका इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है फॉर्म नंबर ट्वेंटी फाइव ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर है कि जब भी हमें ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई लाइसेंस चाहिए होता है तो उसके लिए फॉर्म नंबर ट्वेंटी फाइव यूज़ होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शुड बी यूज बाई पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कवर्ड अंडर डैश एज पर डी एक्ट तो उन सभी ड्रग्स की लिस्ट जो कि पेशेंट यूज़ कर सकता है ओनली एंड ओनली अंडर द मेडिकल सुपरविजन तो वो किस शेड्यूल के अंडर होते हैं तो ये आते हैं हमारे शेड्यूल जी में ऑप्शन ए शेड्यूल जी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एज़ पर डी सी एक्ट शेड्यूल टी स्टेट्स अबाउट तो शेड्यूल टी क्या स्टेट करता है तो इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन सी ये रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स तो ये शेड्यूल टी में आते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टीजीए इज अ रेगुलेटरी एजेंसी फो तो जो हमारा टी जी ए है टी जी ए हमारी होती है थेराप्यूटिक थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है थेरापटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन तो ये हमारी एक रेगुलेटरी एजेंसी है थेरापिटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन तो ये किस कंट्री की रेगुलेटरी एजेंसी है तो ये ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी एजेंसी है टी तो इसमें दो तीन ही एजेंसी इसमें जो भी एजेंसीज आएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि काफ़ी बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एंड शेड्यूल में से तो आता ही आता है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एच आर एज रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ तो जो हमारी एम एच आर ए है एम एच आर ए की फुल फॉर्म होती है कि मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी तो ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि यूके की रेगुलेटरी एजेंसी है ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर है द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेड्यूल डैश कौन सा शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का इंक्लूड करता है रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स तो ये होता है हमारा शेड्यूल बाई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर पेरेंट्रल प्रपरेशन इन ग्लास कंटेनर्स मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड इज तो पेरेंट्रल प्रपरेशन के लिए जो कि ग्लास कंटेनर में बनेगी उसके लिए मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड कितना होता है तो उसके लिए जो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड है वो है टू फिफ्टी स्क्वेयर मीटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एम सी सी इज़ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ तो एम सी सी रेगुलेटरी एजेंसी है तो फर्स्ट बात करते हैं एम सी सी की तो एम सी सी होता है मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल तो ये एक रेगुलेटरी uh, एजेंसी है साउथ अफ्रीका की तो अभी तक हमने तीन रेगुलेटरी एजेंसीज़ देखी एक टीजीए जो कि हमारी ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी एजेंसी है फिर दूसरी हमने देखी एम जो कि हमारी यूके की रेगुलेटरी एजेंसी है एंड तीसरी हमने देखी एमसीसी जो कि है मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल और ये हमारी साउथ अफ्रीका की रेगुलेटरी एजेंसी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Council, इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑल फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स एक्सेप्ट तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के इनमें से कौन सा एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं है ये बताना है तो इसमें से जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं होते हैं हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बाकी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट तो ये भी हमारे एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं एसपीसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के गवर्नमेंट एनालिस्ट भी होते हैं और जो ऑफिसर इंचार्ज होता है ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ये भी हमारे एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एक्स ऑफ ड्रग्स इन कॉस्मेटिक्स एक्ट कंप्राइजेस तो जो शेड्यूल एक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं तो शेड्यूल एक्स में इसमें से कोई भी वो चीज़ नहीं आती है ना ही इनक्यूरेबल डिजीज़ आता है क्योंकि इनक्यूरेबल डिजीज़ जो है वो हमारा शेड्यूल जे में आ जाता है गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल ये तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए शेड्यूल बाई आ जाता है हमारे पास जेनरिक ड्रग्स के लिए हमारे पास डब्ल्यू आ जाता है और जो तो इसमें से जो हमारा शेड्यूल एक्स है तो शेड्यूल एक्स में हमारे जो भी हमारे नारकोटिक ड्रग्स हैं या साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं वो सारे शेड्यूल एक्स में आते हैं तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर डी एंड सी एक्ट शेड्यूल एन इज़ रिलेटेड विद तो शेड्यूल एन जो है हमारा वो रिलेट करता है ऑप्शन सी के साथ दैट इज़ लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशियंटली रनिंग फार्मेसी द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर डी एन सी एक्ट शेड्यूल एफ एफ इज रिलेटेड विद शेड्यूल एफ एफ बताना है ये किसके साथ रिलेट करता है तो जो हमारा शेड्यूल एफ एफ है वो ऑपथेलिक ऑपथेलमिकेश के साथ रिलेटेड है शेड्यूल एफ एफ में ऑपथेलमिकपरेशंस आती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इम्पोर्ट करना प्रोहिबिट है तो इसमें से जो भी हमारे मिस ब्रांडेड ड्रग्स हैं वो प्रोहिबिट हैं उनको हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते टॉयलेट प्रेपरेशन हमें इम्पोर्ट करवा सकते हैं आयुर्वेदिक करवा सकते हैं और शेड्यूल सी एन जी ड्रग्स भी इम्पोर्ट करवा सकते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग अडल्ट्रेटेड ड्रग्स पुरिस ड्रग ये कुछ भी हम इंपोर्ट नहीं करवा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो हैच बैक्समैन एक्ट है वो किसके साथ रिलेटेड है तो जो हमारा हैच बैक्समैन एक्ट है ये हमारा जेनरिक ड्रग्स के साथ रिलेटेड है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कोका ओपीएम एंड हेम्प है वो किस किस एक्ट के अंडर आते हैं तो ये सारे हमारे डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंडर आते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था तो जो हमारा फर्स्ट एडिशन था वो 1955 फिफ्टी फाइव में पब्लिश हुआ था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआई इज रिकंस्टिट्यूटेड इन जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कितने टाइम के बाद रिकंस्टिट्यूट होती है तो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हर पांच साल में रिकंस्टिट्यूट होती है द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन फेज टू ट्रायल फॉलोइंग नंबर ऑफ पेशेंट शुड बी स्टडीड तो फेज टू ट्रायल में कितने स्टडी की जाती है तो इसमें से सिर्फ फ़ेज़ टू में दस से बारह पेशेंट पे ही स्टडी की जाती है ये दस से बीस बोल सकते हैं हम तो इतने ही नंबर ऑफ पेशेंट पे स्टडी की जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो पर्पस होता है फ़ेज़ थ्री ट्रायल का तो उसका पर्पस क्या होता है फ़ेज़ थ्री ट्रायल का तो फेज़ थ्री ट्रायल में हम एफिकेसी चेक करते हैं एंड आल्सो सेफ्टी चेक करते हैं ऑफ ड्रग की ड्रग की सेफ्टी एंड एफिकेसी पे मेन फोकस होता है एक लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट पे अराउंड फाइव हंड्रेड पेशेंट पे एफिकेसी एंड सेफ्टी चेक की जाती है ड्रग की जबकि फेज़ टू में एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट हम यूज़ करते हैं टेन टू ट्वेल्व और टेन टू ट्वेंटी बोल सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैंडल्टिवर शेड्यूल सी एक्ट तो स्टैंडर्ड किस शेड्यूल के, के अंडर आते हैं तो ये आते हैं शेड्यूल आर वन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ड्रग इज सो कलर्ड कोटेड और पॉलिश दैट डेमेज इट्स थेल्यू और इट इज़ मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरापिटिक वैल्यू देन इट रियली इज नॉन एज तो अगर इसको इस हिसाब से कोट किया गया है ये पॉलिश किया गया है कि उसकी जो थेरापिटिक वैल्यू है वो ख़त्म हो गई है और उसको ऐसा तैयार किया गया है कि उसमें बेशक उसमें थेरापेटिक वैल्यू नहीं है लेकिन वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि उसमें काफ़ी अच्छी थेरापेटिक वैल्यू हमें मिल सकती है तो ऐसे ड्रग्स को हम किस नाम से डिनोट करते हैं तो ये सारे ड्रग्स हमारे आ जाते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग्स में कि लेबलिंग तो बहुत अच्छी कर दी लेकिन अंदर प्रोडक्ट तो खराब ही है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो पेटेंट एक्ट है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था तो हमारा पेटेंट एक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1970 में 1970 में नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर तो जो हमारे ड्रग का पैक साइज है वो किस शेड्यूल के अंडर कवर किया जाता है तो वो कवर किया जाता है शेड्यूल पी वन में या नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर लाइसेंस ग्रांटेड टू सेल बाय रिटेल ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन ड्रग्स फॉर्म नंबर रिक्वायर एज तो रिटेल ड्रग्स को सेल करने के लिए जो कि स्पेसिफाई हैं सी एंड सी वन ड्रग्स में उनके लिए जो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है उसके लिए किस फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है तो इसमें हमारा जो फॉर्म नंबर ट्वेंटी वन है वो रिक्वायर्ड होता है इस परपज़ के लिए द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एज पर शेड्यूल पी कार्बेनिसेलिन सोडियम पाउडर शुड बी स्टोर्ड एट शेड्यूल पी के अकॉर्डिंग हमें हर एक ड्रग को एक स्पेसिफिक उसमें कंडीशन में रखना होता है तो उसमें एक ड्रग आती है कार्बेनिसेलिन सोडियम पाउडर तो इस ड्रग को हमें किस टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए तो कार्बेनिसेलिन को हम स्टोर करते हैं टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग फाइव डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर पाँच से ऊपर नहीं जाना चाहिए ऐसे टेम्परेचर पर हम इसको स्टोर करते हैं दे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डी टैब हैज़ डैश नंबर ऑफ एक्स ऑफिशियल मेंबर्स तो ड्रग टेक्निकल एडवाइसरी बोर्ड होता है डी टैब तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं एट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स लेबलिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स इज तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि इसमें जो सिंबल एन होता है उसको रेड में डिस्प्ले करते हैं ऑन लेफ्ट टॉप कॉर्नर मींस अगर यहाँ पे देखूँ तो ये हमारा लेफ्ट टॉप कॉर्नर आ गया तो इस लैफ्टॉप कॉर्नर में डिस्प्ले किया जाता है सिंबल एन को तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक्सपीरियस सोडियम जो है वो किस शेड्यूल के अंदर आती है तो जो हमारे एस्पिरंस सोडियम है वो शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर आती है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रगेज तो इसमें से शेड्यूल जी ड्रग की कौन सी एग्जाम्पल है तो इसमें जो मेट फॉर्मिन है वो हमारी शेड्यूल जी ड्रग में आती है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1954, तो 1954 में इन फिफ्टी फोर वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज़ पास तो फिफ्टी फोर में इनमें से कौन सा एक्ट पास हुआ था तो इसमें से जो हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो 1954 में पास हुआ था एंड इसके साथ में जो बाकी उनकी बात करूं मैं तो तो उसमें से जो हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ तो इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट में वो बात करते हैं कि ये इनेक्ट कब हुआ था तो ये इनेक्ट हुआ था नाइनटीन फिफ्टी फोर में लेकिन जो इसकी कमेंस कमेंसमेंट हुई थी तो वो हुई थी नाइन्टीन फिफ्टी फाइव में तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट के बारे में कि एनेक्टमेंट हुई थी नाइनटीन फिफ्टी फ़ोर में कमेंसमेंट हुई थी नाइनटीन फिफ्टी फाइव में देन इसके अलावा बात करूँ तो जो हमारा नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांसिस एक्ट है वो हमारा 1985 में हुआ था ये जो हमारा पॉइजनस एक्ट है वो हमारा 1919 में हुआ ये जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो हमारा 1971 में हुआ है। तो ये इन सारे एक्ट की बात होगी अब चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ में तो इस क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है वो किस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर आता है तो हमारा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस फेज फाइव क्लिनिकल ट्रायल्स में आता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें मैं किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए